दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के चौथे वीडियो में आप सबका स्वागत है। तीसरे वीडियो में हमने हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के सिंपल और कॉम्प्लेक्स पैटर्न के बारे में जानकारी ली। इस वीडियो में हम डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, फ्लैग, ट्राइंगल और पेनंट इनकी जानकारी लेंगे। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम ये रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न स्ट्रांग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंत में होते हैं और ट्रेंड बदल जाता है। डबल टॉप के लिए पहले स्ट्रांग अप ट्रेंड होना जरूरी है और डबल बॉटम के पहले स्ट्रांग डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। पहले स्केच में डबल टॉप दिखाया है और दूसरे स्केच में डबल बॉटम दिखाया है। डबल टॉप पैटर्न में दो करीब करीब समान कीमत के टॉप होते हैं। पहले टॉप का वॉल्यूम ज्यादा होता है और दूसरे टॉप का वॉल्यूम कम रहता है। इस स्लाइड में अडानी एंटरप्राइज के चार्ट में स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंत में डबल टॉप हुआ है। दो टॉप के बीच में कुछ समय तक या कुछ दिनों तक स्टॉक प्राइस रेंज बाउंड होती है। इस रेंज बाउंड मूवमेंट का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा होने पर पैटर्न की विश्वसनीयता बढ़ जाती है और उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। दूसरे टॉप के बाद स्टॉक प्राइस नीचे आने लगती है। जब स्टॉक प्राइस नेक लाइन से कम होती है तब स्टॉक या फ्यूचर बेचने का सिग्नल मिलता है। नेक लाइन ब्रेक होते वक्त वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है। नेक लाइन टूटने के बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। डबल बॉटम में स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के अंत में दो बॉटम होते हैं। पहले बॉटम का वॉल्यूम ज्यादा रहता है और दूसरे बॉटम का वॉल्यूम कम रहता है। दो बॉटम के बीच में कुछ समय तक स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है। ऐसा होने पर पैटर्न की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। नेकलाइन टूटने पर स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में जाती है। इस वक्त स्टॉक या फ्यूचर का बाय करने का निर्णय लिया जा सकता है। इस स्लाइड में टाटा मोटर के चार्ट में स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के अंत में डबल बॉटम पैटर्न दिखता है। जब नेकलाइन के ऊपर स्टॉक प्राइस जाती है तब अप ट्रेंड शुरू होता है। बहुत बार डबल टॉप और डबल बॉटम होते समय अंग्रेजी एम या W लेटर जैसे पैटर्न होते हैं, जैसे हमने पहले के स्केच में देखा। इसे ज्यादा सावधानी लेकर ट्रेड करना चाहिए क्योंकि दो टॉप और बॉटम के बीच में स्टॉक प्राइस रेंज बाउंड नहीं होती है तो बाय या सेल के सिग्नल गलत हो सकते हैं। ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम में तीन टॉप या तीन बॉटम बनते हैं। ट्रिपल टॉप स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंत में होता है और ट्रिपल बॉटम स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के अंत में होता है। हर दो टॉप या बॉटम के बीच में प्राइस का रेंज बाउंड होना अच्छा माना जाता है क्योंकि तभी पैटर्न की विश्वसनीयता बढ़ जाती है और निश्चित रूप से पैटर्न की एक्शन होती है। पहले टॉप या बॉटम का वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहता है और उसके बाद जो भी टॉप और बॉटम बनते हैं उनके वॉल्यूम कम रहते हैं। जब नेक लाइन ब्रेक होकर स्टॉक प्राइस नीचे या ऊपर जाता है तब ट्रेंड बदल जाता है, तब बाय या सेल का निर्णय लिया जाता है। अब हम रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में जानकारी लेते हैं। इस पैटर्न में स्टॉक प्राइस छोटे रेंज में चली जाती है। इसे फ्लैट ट्रेंड भी कहते हैं। फ्लैट ट्रेंड में टॉप और बॉटम एक समान लेवल पर रहते हैं और टॉप और बॉटम के पास ट्रेंड लाइन निकालकर इस रेंज बाउंड मूवमेंट की जानकारी हमें मिलती है। सामान्यतः ट्रेंड लाइन समानांतर और आड़ी रहती है, इसलिए इसे फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये फ्लैग ज्यादा समय के लिए होता है तो उसकी परिणाम देने की क्षमता अधिक होती है।
रेक्टेंगल या फ्लैग के अलग अलग प्रकार इस स्लाइड में दिखाई दिए हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल दिखाई देते हैं और यहाँ डिसेंडिंग रेक्टेंगल और यहाँ असेंडिंग रेक्टेंगल दिखाई देता है। फ्लैग या रेक्टेंगल होने पर स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा सकती है। अगर रेजिस्टेंस लाइन तोड़कर प्राइस बढ़ती है तो स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है, और अगर सपोर्ट लाइन तोड़कर प्राइस कम होती है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है, तभी बाय और सेल के सिग्नल लिए जाते हैं। फ्लैग पैटर्न किस दिशा में ब्रेकआउट होगा, इसका अनुमान फ्लैग में होने वाले टॉप और बॉटम के वॉल्यूम से लगाया जाता है। अगर टॉप के लिए वॉल्यूम ज्यादा है तो स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और अगर बॉटम के लिए वॉल्यूम्स ज्यादा होते हैं तो स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस स्लाइड में एशियन पेंट के चार्ट में काफी दिनों के समय का फ्लैग हुआ है। अंत में प्राइस रेजिस्टेंस लाइन तोड़कर ऊपर ब्रेकआउट होती है और स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाता है। यहाँ स्टॉक के बाय का निर्णय ले सकते हैं। ट्रायंगल और पेंडेंट पैटर्न भी अच्छा परिणाम देते हैं। इस पैटर्न में स्टॉक की कीमत रेंज बाउंड होती है, लेकिन ये रेंज दिन ब दिन कम होते जाता है। स्केच देखकर रेंज कम होने की क्रिया समझ में आती है। रेंज के ऊपर और नीचे ट्रेंड लाइन निकालने पर ये दो लाइन त्रिकोण की दो साइड की तरह दिखाई देती है, इसलिए इस पैटर्न को ट्रायंगल कहते हैं। पेनंट में भी ऐसा ही रेंज बाउंड प्राइस होती है, लेकिन रेंज कम होने के लिए कम समय लगता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रायंगल की लंबाई ज्यादा रहती है और पेरेंट की लंबाई कम रहती है। ट्रायंगल और पेरेंट पैटर्न फ्लैग की तरह ऊपर या नीचे ब्रेकआउट हो सकते हैं। इस चार्ट में ट्रायंगल पैटर्न के बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तो इस चार्ट में ट्रायंगल पैटर्न के बाद पुराना ट्रेंड ही कंटिन्यू हुआ है। ट्रायंगल या पैटर्न के बाहर प्राइस ब्रेकआउट होने पर वॉल्यूम बढ़ता है, उस वक्त बाय और सेल के निर्णय लिए जाते हैं। दोस्तों, हमने अब तक चार्ट में होने वाले अलग-अलग पैटर्न के बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में हम मूविंग एवरेज के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।